बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, आपकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं जी लेमन चिकन। ये चिकन है और मैं जो जो चीज़ें डालूँगी आपके सामने ही डालूँगी। ऑयल डालो इसके अंदर, वन एंड हाफ स्पून डालो। आप थोड़ी सी ऐसा कर दो। ये देखें जी, बारीक प्याज हैं, ये डाल रहे हैं। एक प्याज, थोड़े से गोल्डन होंगे तो फिर इसमें हम लहसुन डालेंगे। ये जी लाइट ब्राउन हो गए, अब इसमें मैं लहसुन डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने लेमन चिकन बनानी है। इसमें रेड चिली नहीं जाएगी, लाल मिर्च बिल्कुल नहीं जाएगी, काली मिर्च जाएगी। लहसुन प्याज तो जैसे डालते हैं वैसे डालेंगे। वन टी स्पून लहसुन, थोड़ा सा पानी डालते हैं इसके अंदर। बस अब इसके अंदर मैं चिकन डाल देती हूँ, फिर मसाले डालते हैं। अब डालो उसके अंदर चटनी, डालो एक चम्मच पिसा धनिया, वन टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून। बस गरम मसाला भी जरूर जाएगा। सॉरी, मैं रखने लगी हूँ ना, शीशे की प्याली थी तो नीचे गिर गई, छोड़ गई। चलो कोई बात नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। अब इसमें हम काली मिर्च डालते हैं। इसमें टमाटर भी नहीं जाएगा, दही भी नहीं जाएगी, क्योंकि मैं लेमन जूस डालूँगी इसके अंदर, इसमें वो काफ़ी खट्टी हो जाएगी। हाफ कम, ये है जी हाफ टी स्पून से भी कम है काली मिर्च। अब इसको मैं पानी डाल के गलने के लिए रख देती हूँ, जैसे ही गल जाएगी फिर इसकी भुनाई मजबूत करेंगे। बस ये मेरे ब्रॉयलर होती है ना, ये भी कम देर में गलती है बहुत। बस ये जब गल जाएगी फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये जी चिकन गल गई है, अब इसमें लेमन जूस अभी डाल देंगे ताकि बोतलों के अंदर रच जाए। ये देखिए, चार टेबल स्पून लेमन जूस है, ये डाल दें। अच्छी तरह इसके एब्जॉर्ब कर लेगी ना चिकन लेमन जूस को, उसके बाद फिर भुनाई करेंगे इसकी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ, इसी थोड़े से पानी अभी है इसके अंदर तो मैंने लेमन जूस डाल दिए, ताकि इसमें सारा अच्छी तरह आ जाएंगे जायका जूस का। बस इसके अब ये पानी खुश्क होगा तो इसकी भुनाई करेंगे। इसमें मैं और कोई मजीद कोई चीज़ नहीं डालूंगी, ऊपर से गार्निश करूंगी। ये हरी मिर्च भी पड़ी है, ये लेमन भी पड़े हैं और ये हरा धनिया भी कटा हुआ है, ये हम ऊपर से गार्निश करेंगे इसको। इसकी अब भुनाई करते हैं अच्छी तरह से, जब बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसके डिश आउट करके ना फिर मैं ऊपर गार्निश करूँगी। लेमन डाल दिए इसके अंदर, कोई खट्टी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, ना टमाटर ना दही, कोई चीज़ नहीं डालेंगे।
अभी इसका ऑयल निकला है यार, ये देखो बिल्कुल खुश्क हो गया, अभी ऑयल निकला है, बहुत मज़े की बनी हुई है, बन के अभी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर आप सेव करती हूँ। ये देखो, ये जी मैंने डिश आउट कर ली है, ये देखिए बहुत मज़े की बनी हुई है। इसमें काली मिर्च जाएगी, सिर्फ नमक जाएगा और गर्म मसाला मैंने आपके सामने रखा है। ये लेमन हम इसमें गार्निश करते हैं, क्योंकि लेमन चिकन है इसीलिए ये शो करना होता है, और इसमें जायका भी आ जाएगा थोड़ा सा छिलकों का। ये है हमारी आज की डिश, पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।